मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ था उस रात? हर्ष ने कहा। वेल, याद तो मुझे भी सब कुछ नहीं है, पर ये याद है कि जब मैं उस रात होटल में आई थी तब तुम ऑलरेडी काफी पी चुके थे। मुझे बार टेबल पर बैठा देख थोड़ी देर बाद तुम मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे फ्लर्ट करने लगे। सिमी ने जवाब दिया। व्हाट, क्या बात कर रही हूँ मैं? फ्लर्ट कर रहा था? इतना चौंक क्यों रहे हो? थोड़ी देर पहले भी तो वही कर रहे थे ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने कुछ देर बातें की। शायद तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। तुम काफी उदास लग रहे थे। तुमने ज्यादा बताया नहीं, पर तुम बार बार मुझे सिमरन बुला रहे थे। ओह, सिमी को हंसते हुए देख हर्ष की नजर अचानक उसकी कलाई पर पड़ी। उस पर ब्लू ब्लैक चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी कलाई को बहुत जोर से मरोड़ा। उसने घबराते हुए पूछा, ये मार्क्स कैसे हैं? तभी सिमी ने घबराकर अपनी कलाई को पलटकर उन मार्क्स को कवर कर दिया। कुछ नहीं। अचानक उसके चेहरे पर टेंशन दिखने लगी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। क्या तुम्हें कोई, मेरा मतलब किसी ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती? हर्ष के दोबारा पूछने पर सिमी उठकर खड़ी हो गई और उसने उसे गुस्से से कहा, लिसन, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो जबरदस्ती एम्पैथी दिखाने की कोशिश मत करो, ओके? ये कहकर गुस्से से भरी सिमी वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वापस अपने कमरे में आकर हर्ष ने वहां रखे फोन से सिमी को इंटरकॉम किया। हेलो, पता है बचपन में मैं हमेशा लैंग्वेज में फेल हो जाता था, अब पता चला क्यों? कहना कुछ चाहता हूँ, कम्युनिकेट कुछ हो जाता है। वैसे 7 बजे तक बातें हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं। मैं 1 घंटे बाद तुम्हारी लॉबी में इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें क्या लगता है, तुम बुलाओगे और मैं आ जाऊंगी? नहीं, मत आना, फिर हम पूल साइड में ही बैठकर बात कर लेंगे, पर मुझे लगता है कि तुम आओगी। हर्ष ने फोन रखा और लॉबी में सिमी का वेट करने लगा। आधा घंटा बीत चुका था और हर्ष ने समझ लिया था कि सिमी से बात करना बहुत मुश्किल होगा। इतने में उसे साक्षी का मैसेज आया। फ्री हो तो कॉल कर लेना, इट्स अर्जेंट। साक्षी का मैसेज दे हर्ष ने तुरंत ही उसे कॉल किया। हेलो। हेलो, हाँ, तुम्हारा मैसेज था अर्जेंट, सब ठीक है ना? हाँ, वैसे कोई बात नहीं थी, बस ये पूछना था कि कल मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आप आफ्टरनून तक वापस आ जाएंगे ना? उसी हिसाब से मैं उन्हें टाइम बता दूंगी। साक्षी से बात करते हुए हर्ष अपने कमरे की लिफ्ट की तरफ वापस जाने लगा। ओ हाँ, बोल दो। ठीक है। तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और सामने से तैयार हुई सिमी मुस्कुराते हुए उसके पास आ रही थी। वैसे मैं थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। हर्ष ने सिमी को देखकर स्माइल करते हुए कहा और जल्दबाजी में फोन रख दिया। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। तो बताइए कहाँ चलना है, हर्ष ने पूछा। सिमी हर्ष को एक ऐसी जगह ले आई जहाँ उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक मॉल के गेमिंग जोन में। और सिमी का ये अंदाज हर्ष को जितना वियर्ड लगा उतना ही क्यूट भी। तुमने ये जगह क्यों चूज की? I like playing games, सिमी ने जवाब दिया। क्या? कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन था सिमी का, जिसे देखकर हर्ष एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। वीडियो गेम्स, ओके? चलो। मॉल के बाहर बैठकर दोनों छोले कुलचे खाते हुए बातें कर रहे थे। जब सिमी जोर जोर से हंसी जा रही थी, सिमी को इतना खुश देखकर हर्ष के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। वैसे तुमने बताया नहीं उस रात क्या हुआ था। हाँ। तो बस फिर घंटों बाहर में बातें करने के बाद हम दोनों वॉशरूम में गए और वहाँ कुछ हुआ था। क्या हुआ था? आई मीन, यू नो, वी किस्ड। आई थिंक वी किस्ड। ओह, फिर? फिर मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने के लिए आ गए।
और मुझे छोड़कर चले गए। ये कहकर दोनों सिमी और हर्ष कुछ देर के लिए शांत हो गए। उनके बीच में एक अजीब सी टेंशन थी। सिमी की हंसी एक बेचैनी में बदल गई थी, मानो कि हर्ष उसे इस वक्त छोड़कर चला गया हो। पर कुछ देर बाद तुम वापस आए और बहुत देर तक मुझे सिमरन समझकर मेरी गोद में अपना सिर रखे मुझसे बातें करते रहे। मैं चाहती तो थी कि तुम वापस चले जाओ, पर जब तुमने मुझे पकड़ा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मुझे उस टच की जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे हस्बैंड सारी रात बाहर थे, पर जब मैं तुम्हारे साथ थी पता नहीं कैसे मुझे एक मिनट के लिए भी उनका ख्याल नहीं आया। तभी तुम मेरे पास आए और तुमने। सिमी की बात खत्म होने से पहले ही बारिश होने लग गई और वो दोनों भागकर एक बंद दुकान के नीचे खड़े हो गए। पानी के साथ साथ जोरों की हवाएं चल रही थी, पर सिमी के चेहरे पर पड़ी पानी की बूंदों को देख हर्ष को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिमी काफी भीग चुकी थी, उसकी ड्रेस काफी पतली थी और वो पानी में भीग कर उसके तन से चिपक चुकी थी। हर्ष सिर्फ उसे एक टक देखे जा रहा था। सिमी के बाल भीग चुके थे और बारिश का पानी उसके होंठों पर जा गिरा था। उसे देखकर हर्ष को उस दिन की याद आ गई, जिस दिन उसने सिमी को नहाकर बाहर निकलते हुए देखा था। ऊपर से टपकती हुई छत से हटकर सिमी हर्ष की तरफ झुक गई और हर्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मौसम बहुत रोमांटिक हो चुका था। एक दूसरे का हाथ थामे हुए सिमी और हर्ष धीरे धीरे करीब आते गए और उनके होंठ एक दूसरे के होंठों से टकरा गए थे। सिमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हर्ष की तरफ खुद को धकेलते हुए सॉफ्टली किस कर दिया। हर्ष का हाथ उसकी कमर पर जा गिरा और धीरे धीरे ऊपर उसकी पीठ तक जाने लगा कि तभी हर्ष का फोन बजा। एकदम से हर्ष और सिमी जैसे होश में आ गए। सिमी अचानक एकदम से पीछे हो गई और उसने हर्ष को फोन उठाने के लिए इशारा किया। होश संभालते हुए हर्ष दो कदम पीछे होकर अपने फोन को रिसीव करने लगा। हाँ हाँ साक्षी। साक्षी का नाम सुनते ही सिमी को लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी थी। हर्ष को दूर जाकर बैठा हुआ देख उसे एक गिल्ट सा महसूस हुआ और उसने अपने बाल संवारते हुए खुद को वहीं रोक दिया। बात खत्म करके हर्ष वापस आया तो उसने देखा कि सिमी वहां नहीं थी। जोरदार बारिश में बीच सड़क पर सिमी हर्ष को पीछे छोड़कर वापस होटल चली गई, पर हर्ष उसके इंतजार में होटल लॉबी में ही बैठा रहा। कुछ घंटे बाद रात में तैयार होकर वो नीचे आया। कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाते हुए उसकी नजर लॉबी पर बैठे हर्ष पर पड़ी। हर्ष को इग्नोर करते हुए वो सीधे देखते हुए आगे बढ़ने लगी और उसके साथ साथ हर्ष भी चलने लगा। सिमी सिमी, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर क्यों आ गई? सुनो, यहां मुझसे बात मत करो, किसी ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। वैसे भी मेरे हस्बैंड कॉन्फ्रेंस रूम में ही है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। क्या सीरियसली तुम मेरी कंपनी छोड़कर इस बोरिंग कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहती हो? ये मेरा काम है, पैसे मिलते हैं मुझे। ये कहते कहते सिमी एकदम से रुक गई, जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। व्हाट, पैसे मिलते? देखो, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू और मैं शायद हमेशा उसे चेरिश करती रहूंगी, पर अब मुझे एक अच्छी वाइफ की तरह अपने हस्बैंड के साथ खड़ा होना है। अंदर बहुत से लोग हैं जिन्हें मुझसे मिलना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड, तुम जानते नहीं हो उन्हें। और ठीक बात भी है, मैं जानना चाहता भी नहीं हूँ उन्हें, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। इसे इत्तेफाक कह लो या जो भी, लेकिन किस्मत ने आज हमें फिर से मिलाया है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस मौके को इतनी आसानी से जाने दूं। प्लीज सिमी, प्लीज हर्ष, मुझे अब जाना होगा। तुम रूम में जाकर अपने कपड़े बदल लो, बीमार पड़ जाओगे। सिमी का पूरा ध्यान कॉन्फ्रेंस के दरवाजे पर था। उसे डर था कि कोई उसे हर्ष से बात करते हुए देख न ले।
हर बार घबराते हुए जवाब देती सिमी बात बात पे कैजुअली स्माइल कर रही थी, जिससे किसी को शक ना हो। ठीक है जाओ, बट प्रॉमिस मी कि कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही तुम मुझसे मिलोगे। आई कांट प्रॉमिस, ओके, पॉसिबल हुआ तो मिल लेंगे। कम ऑन, ऐसा मत कहो सिमी, मैं यहाँ स्पेशली तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या? प्रॉमिस मी कि तुम मिलोगी। फाइन, कोशिश करूंगी, बस अब मुझे जाने दो। ये कहते हुए सिमी आजू बाजू देखते हुए सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली गई और हर्ष गीले कपड़ों के साथ वापस अपने कमरे में। कमरे में नहाते हुए हर्ष पूरा समय सिमी की कही हुई बात अपने मन में दोहराता रहा। ये मेरा काम है, मुझे इसके पैसे मिलते हैं। उसने ये क्यों कहा कि ये उसका काम है? कॉन्फ्रेंस में जाकर लोगों से मिलना किसी का काम कैसे हो सकता है? और अगर है भी तो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद? पिछले 3 दिनों से तो वो कॉन्फ्रेंस के बाहर ही है। पर किस बात के पैसे मिल रहे हैं उसे? कहीं वो कुछ ऐसा वैसा तो? पर हर रात वो अपने कमरे में ही रहती है और वो अपने पति के साथ आई है। बट क्या वो आदमी सच में उसका पति? हजारों सवालों से घिरे हुए अचानक दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कौन? एक मिनट। बाथरूम से निकलते हुए हर्ष जब दरवाजा खोलता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता है। हर्ष आगे पीछे कॉरिडोर में देखता है पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। तभी रूम में अंदर आते हुए उसे जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी हुई मिलती है। कोरे एनवलप को खोलने पर उसे अंदर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है, इत्तेफाक ये भी है कि हम फिर मिले और ये भी कि ये मुलाकात फिर अधूरी रह गई। पर कुछ चीजें अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। मैं कल जा रही हूं, शायद ये किस्मत फिर तुमसे कहीं मिला दे। पर उस पल के इंतजार में इस पल को खत्म नहीं कर सकती। गुड बाय। चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं था पर हर्ष समझ गया था कि ये सिमी के ही शब्द हैं। खत को पढ़कर वो गुस्से से लाल हो गया था। इस तरह बिना कुछ कहे गुड बाय कह देना हर्ष को मंजूर नहीं था। एक बार फिर उसे उस पल का एहसास हुआ जो सिमरन से ब्रेकअप के वक्त हुआ था। सिमरन भी बिना कुछ कहे हर्ष को यूं ही छोड़कर चली गई थी और अब सिमी भी। पर हर्ष इस बार ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। परेशान होकर कमरे में ही चक्कर काटते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। नॉट अगेन। वो मुझसे मिले बिना नहीं जा सकती यार। इस हलचल में हर्ष तुरंत फोन उठाकर सिमी को इंटरकॉम करने की कोशिश करता है पर बहुत देर बजने के बाद भी कोई फोन नहीं उठाता और हर्ष तैयार होकर नीचे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला गया। दूर एक कोने में उसे सिमी का पति दिखता है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके साथ खड़ी हुई सिमी भी उसे दिखाई देती है। सिमी की कमर में उसके पति का हाथ था और वो उसे एक ग्रुप से मिलवा रहा था। सिमी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उसके हस्बैंड के चेहरे पर अलग सा घमंड था, पर सिमी जैसी खूबसूरत बीवी होने पर तो किसे घमंड नहीं होगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही सिमी की नज़र हर्ष पर पड़ती है पर वो उसे इग्नोर करके काफ़ी देर तक लोगों से मिलती रहती है। कुछ देर सिमी को दूर से देखने के बाद हर्ष ने उसे नज़रें चुराकर दरवाजे से जाते हुए देखा, पर जब तक वो उसके पीछे बाहर पहुंचता सिमी वहां से जा चुकी थी। सिमी को ढूंढते हुए हर्ष दोबारा उसी बाह में गया पर बाह में हर्ष को सिमी नहीं मिली, लेकिन उसका हस्बैंड एक कॉर्नर टेबल पर बैठा हुआ दिखाई दिया किसी और लड़की के साथ। सिमी का हस्बैंड एक काफी यंग लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा था और बार बार उसका हाथ उस लड़की की टांगों पर जा रहा था। ये देखकर हर्ष जानता था कि सिमी उसे कहां मिलेगी। बिना एक भी मिनट जाया किए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा और 4th फ्लोर पर पहुंचते ही बेसब्री से रूम नंबर 404 की तरफ चलने लगा। बहुत बार दरवाजा खटखटाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हर्ष निराश होकर अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे में पहुंचते ही हर्ष को साक्षी का कॉल आया पर इससे पहले कि वो फोन उठाए दरवाजे पर किसी और ने नॉक किया। हर्ष ने फोन साइड में रखकर दरवाजा खोला तो वहां सिमी खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए
और आंखों में बेचैनी थी। चढ़ी हुई सांसों के साथ दोनों एक दूसरे को देखकर बेकाबू हो गए और बिना कुछ कहे बेसब्री से बस एक दूसरे को किस करने लग गए। सिमी ने हर्ष को कसकर पकड़ लिया और किस करते हुए अंदर आ गई और हर्ष ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वाइल्डली किस करते हुए हर्ष ने सिमी को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। हर्ष ने इससे पहले कभी किसी से इस तरह पागलों की तरह प्यार नहीं किया था। सिमी की सांसें चढ़ी हुई थी और वो हर्ष की गर्दन पर अपना हाथ सहलाते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। हर्ष ने अपनी शर्ट जल्दी से उतारी और सिमी को एक एक करके अनड्रेस करने लगा। उसने सिमी की सुराही जैसी गर्दन पर किस करते हुए उसके पैर ऊपर उठा लिए और उसे गोद में उठाकर स्टडी टेबल पर बिठा दिया। वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर अपनी टेरिटरी को मार्क करना चाहता था। हर्ष के चेहरे पर पसीना और आंखों में लालसा थी। पसीने में लथपथ दोनों एक दूसरे में समा गए थे। हर्ष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इमेजिनेशन आज सच हो गई। एक दूसरे में मदहोश होकर कई मिनटों तक हर्ष और सिमी एक दूसरे से लिपटते रहे। बार बार सिमी के मुंह से अपना नाम सुन हर्ष में और भी एनर्जी आ गई थी। वो देर तक उसे प्यार करता रहा जब तक दोनों थक कर चूर नहीं हो गए। कुछ देर तक दोनों ऐसी ही हालत में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बैठे रहे और हर्ष सिमी की गोद में सिर रख कर सो गया। सुबह उठने पर सिमी जा चुकी थी। हर्ष ने अपना फोन उठाया तो उसने देखा कि साक्षी के 12 मिस्ड कॉल्स थे। कॉल बैक करने पर जब उसने फोन उठाया तो साक्षी की बात सुनकर उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और हर्ष शॉक्ड रह गया। सुबह होने पर सिमी रूम से जा चुकी थी और शायद होटल छोड़कर भी। हर्ष काफी थका हुआ था। बिस्तर से उठकर अपनी शर्ट पहनते हुए जब उसने पर्दा हटाया तो देखा कि बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। रूम पे ही चाय बनाते बनाते हर्ष सिमी के साथ बीती हुई रात को याद कर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे वो सब मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। वो जानता था कि शायद सिमी से फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, पर उसे तसल्ली थी कि उसने अलविदा कहने से पहले उसके साथ कुछ हसीन पल बिता लिए थे। चाय पीते पीते हर्ष ने अपना फोन उठाकर चेक किया तो उसमें साक्षी की 12 मिस्ड कॉल्स थी। एक मिनट के लिए हर्ष घबरा गया और सोच में पड़ गया। 12 मिस्ड कॉल्स, ऐसी क्या बात हो गई? साक्षी के कुछ मैसेजेस भी अनसीन पड़े थे। प्लीज कॉल, इट्स अर्जेंट, ओह गॉड, इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस और मैंने ये मिस कर दिए। उसने तुरंत ही साक्षी को कॉल बैक किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही। दोबारा कॉल करने पर जब साक्षी ने कॉल उठाया तो उसकी खबर सुनते ही हर्ष ठंडा पड़ गया और उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। होटल से भागते हुए हर्ष ने चेकआउट किया और चंडीगढ़ के लिए निकल गया। निकलने से पहले ना तो उसने सिमी से मिलना जरूरी समझा और ना ही उसके लिए रिसेप्शन पर कोई मैसेज छोड़ना। उसके दिमाग में सिर्फ घर पहुंचने की बेसब्री थी। रास्ते भर हर्ष खुद को कोसता रहा कि उसने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता। अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, प्लीज मेरी इस बेवकूफी की सजा मुझे इस तरह से मत देना, प्लीज। रोते रोते कुछ ही घंटों में हर्ष चंडीगढ़ के सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच गए जहां साक्षी ने उसे आने को कहा था। हर्ष के बिखरे बाल, आंखें सूजी हुई और शर्ट आधी बाहर थी। बेचैनी से आईसीयू की तरफ दौड़ते हुए साक्षी को देखकर उसके पैर थम गए। कैसी है मां की तबीयत? अभी कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर्स ने 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा है। कोट, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? कल रात ही जब मैंने आपको कॉल किया था आपने फोन काट दिया। मम्मी कमरे में लेटी हुई थी तब अचानक उन्हें गर्मी लगने लगी। रूम का एसी ऑन था पर फिर भी उन्होंने मुझे रूम में बुलाकर फैन स्पीड तेज करने को कहा। उनके चेहरे पर पसीने देखकर मुझे कुछ सही नहीं लगा।
तभी मैंने आपको कॉल किया था, पर आप फोन काट रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। एक घंटे बाद मम्मी को लेफ्ट हाथ में दर्द उठा, तो मुझे समझ आ गया कि ये हार्ट अटैक ही है, और मैं उन्हें फौरन यहाँ ले आई। रात भर आपको बहुत बार कॉल किया, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। अच्छा किया तुमने, मैं काफी जल्दी सो गया था, पता नहीं कैसे तुम्हारे कॉल्स का पता ही नहीं चला। थैंक्स अ लॉट साक्षी, तुम यहाँ नहीं होती तो माँ को कौन। बात करते करते हर्ष की आंखों में आंसू आ गए थे। साक्षी उसे चुप तो करवा रही थी, पर अपनी माँ की तबीयत से ज्यादा हर्ष को वहां ना होने का अफसोस था। सुमी के पागलपन में वो इस हद तक गिर जाएगा, इसका एहसास उसे नहीं हुआ था। हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि बीते दिनों उसने जो भी किया, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। सारी रात हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठे बिना कुछ खाए पिए वो अपने किए पर पछताता रहा। उसने तय कर लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, वो सिमी के बारे में हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। वो सब कुछ पीछे छोड़कर साक्षी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। सुबह होती हर्ष के बचपन का दोस्त रवि वहां से मिलने आ गया। रवि को देखकर उसने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे वो किसी से बात करना चाह रहा था। चुप चुप हो जा हर्ष, आंटी को कुछ नहीं होगा, इस तरह कमजोर पड़ने से कुछ नहीं होगा हर्ष, अपने आंसू पोंछते हुए हर्ष ने रवि से कहा। जानता हूं, पर बात वो नहीं है। ये कहकर हर्ष ने रवि को सिंगापुर से लेकर दिल्ली तक सिमी से जुड़ी हर बात बता दी। खुद पर घिन करते हुए हर्ष ने रवि से बोला, मैं बता नहीं सकता, मुझे खुद से इतनी नफरत हो रही, ये मैं नहीं हूँ। देख आई नो, तो ये बिल्कुल नहीं है। एक लड़की की फोटो देखकर तू उसके पीछे पीछे दिल्ली चला गया और 2 दिन बिना किसी वजह के वहीं रुका रहा। यू आर 26 हर्ष, नॉट 16, ये क्या बचपना है। आई नो, पता नहीं ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया था मुझ पर कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। शायद मैं सिमरन के क्लोजर ना मिलने पर। सिमरन, ये तो कह रहा है, आई थॉट सिमरन का चैप्टर 2 साल पहले खत्म हो चुका था। उफ, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा हर्ष, इट्स लाइक आई कांट इवन रिकॉग्नाइज यू। यार मैं जानता हूँ रवि, आई हैव नॉट बीन मायसेल्फ, स्पेशली जब से शादी हुई है ऐसा लगता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं क्या, पर मैं अपने पास्ट को ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। देख हर्ष, तूने शादी प्रेशर में आके की थी, जानता हूँ, पर उस रिश्ते को कैसे निभाना है ये तुझे डिसाइड करना है। मेरी मान और अपनी मन की सारी बातें साक्षी से डिस्कस कर ली, आई एम श्योर वो तुझे समझेगी, और एक बार उसे बताकर तेरा मन हल्का हो जाएगा। साक्षी को, पर कहीं वो, रवि मैं साक्षी के साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ, अगर वो मुझे समझ नहीं पाई तो। अगर वो सच में तुझसे प्यार करती है तो समझेगी, और अगर तू 3 दिन पहले मिली एक अनजान लड़की को अपनी बात समझा सकता है तो साक्षी तो तेरी वाइफ है यार। रवि की बातें सुनकर हर्ष कुछ कहता, इससे पहले ही वहां डॉक्टर्स आ गए। दवे जी, घबराने की बात नहीं है, आपकी माँ खतरे से बाहर है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस बता रहा हूँ, उनका ध्यान रखना बस। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। माँ और साक्षी के साथ वापस आकर हर्ष अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ आया था। उसका पूरा ध्यान माँ के ठीक होने की खुशी में था, पर रवि की कही हुई बातें उसके मन में घर कर गई थी। माँ को सुलाकर जब रात में हर्ष अपने कमरे में आया तो रवि की कही हुई बातें ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बिस्तर पर लेटते ही साक्षी ने हर्ष को प्यार से अपनी बाहों में ले लिया और उसके सीने पर सिर रखकर बोला, आई मिस्ड यू, साथ रहने की आदत सी हो गई है मुझे। हर्ष ने साक्षी की बातें सुनकर अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसे पकड़कर रवि की कही हुई बातों को सोचता रहा। एक नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुआ था, उसे सब कुछ बता देना और उसे भरोसा दिलाना कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हर्ष कुछ कहता, साक्षी धीरे धीरे हर्ष को उसके गले से ऊपर आते हुए उसके गालों पर किस करने लगी। हर्ष बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था,
वो इस वक्त बिल्कुल भी रोमांटिक मूड में नहीं था, और साक्षी के साथ उसने जो किया उसे सोचकर उसे खुद से नफरत हो रही थी। साक्षी ने धीरे से हर्ष को उसके लिप्स पर किस कर दिया, पर इससे पहले वो आगे बढ़ती हर्ष ने खुद को पीछे खींचते हुए साक्षी को वहीं रोक दिया। क्या हुआ? हर्ष उसी वक्त उठकर बैठ गया। साक्षी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अपने दोस्त रवि के कहने पर हर्ष ने साक्षी को सिमी के बारे में सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। बेडरूम में जब साक्षी ने हर्ष को किस करने की कोशिश की तो हर्ष ने उसे रोकते हुए कहा, साक्षी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हर्ष बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसके माथे की लकीरों को देखकर साक्षी भी उठकर बैठ गई और हर्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप बहुत परेशान लग रहे हो। देखो, मामा की टेंशन मत लो, वो अब ठीक है। वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? साक्षी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे नहीं पता कि मैं इससे कभी उबर पाऊंगा या नहीं, पर मैं अब उसका बोझ लेकर और नहीं चलना चाहता। मुझे हो सके तो समझने की कोशिश करना साक्षी। ओ हर्ष, अब बोलोगे भी? तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? मैं जानता हूँ कि इस शादी को लेकर तुम बहुत एक्साइटेड थी, पर सिमरन के साथ वो ब्रेकअप मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कॉलेज के बाद भी मैं उसे पूरी तरह से भुला नहीं पाया था जब मेरे पेरेंट्स ने शादी का प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। हमारे घर वालों के बीच जान पहचान अच्छी थी तो मैं कुछ कह नहीं पाया, पर मैं इस शादी के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं था। साक्षी बिना किसी शिकन हर्ष की बातें शांति से सुन रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर्ष की कही बातों का उसे पहले से अंदाजा था। मुझे गलत मत समझना साक्षी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। मैं बस बहुत लॉस था और शायद मैं क्लोजर ढूंढ रहा था। तुम समझ रही हो? हाँ, समझ रही हूँ। पर ये सब तुम अब क्यों बता रहे हो मुझे? साक्षी, दरअसल अपने इस लॉस्ट माइंड के साथ हनीमून पर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? तुम्हें याद है जब उस सुबह तुम मुझे ढूंढ रही थी और मैंने बाद में कहा कि मैं मॉर्निंग वॉक पर गया था। मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं बल्कि रात में किसी दूसरी लड़की के कमरे में था, पर जो भी हुआ नशे की हालत में हुआ। मेरा यकीन करो साक्षी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है मैं वहां कैसे पहुंच गया। हर्ष कहता गया और साक्षी बिना किसी सवाल जवाब के उसे सुनती रही। जल्दी ही उसने उसे यह भी बता दिया कि हर्ष इत्तेफाक से उस लड़की से दिल्ली के होटल में मिला और उन दोनों के बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पर इतना सब कुछ सुनकर भी साक्षी बिखरी नहीं। वो अब भी बिना पलकें झपकाए हर्ष की हर बात गौर से सुन रही थी। उसके माथे पर परेशानी तो साफ झलक रही थी, पर साक्षी ने किसी भी तरह से हर्ष की बातों पर रिएक्ट नहीं किया। हर्ष की बात खत्म होती है साक्षी ने बाजू की टेबल पर पड़ी बोतल से पानी पिया और खुद को संभालते हुए कहा, तो अब मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और यहां से मैं वापस तो नहीं जा सकता, पर मैं इस गलती को सुधारना जरूर चाहूंगा। पर मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं? साक्षी, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है, पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो सिर्फ एक रात की बात थी और कुछ नहीं। इट्स ओवर और मैं अब उससे कुछ नहीं चाहता हूं। ठीक है, ये कहकर साक्षी ने कमरे की बत्ती बुझा दी और दूसरी ओर मुंह करके सो गई।
अगले एक हफ्ते तक साक्षी ने हर्ष से इस बारे में कोई बात नहीं की। हर्ष ने बात करने की कोशिश तो बहुत की पर साक्षी हर बार उसे इग्नोर कर देती। पर एक हफ्ते बाद सुबह सुबह हर्ष को चाय देते हुए साक्षी ने उसके सामने खड़े होकर बात की। आई थिंक हमें अपने रिश्ते पर वर्क करना चाहिए। जो हुआ मैं उससे तुम्हारा बचपना समझकर भूल जाऊंगी, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। साक्षी की बात सुनकर हर्ष खुशी से झूम उठा। उसके सर पर से एक बड़ा सा बोझ उतर गया और उसने साक्षी से वादा किया कि अब वो साक्षी से और कोई झूठ नहीं कहेगा। साक्षी सीधे मुंह के साथ पलट कर चली गई। पर उसके जाने की थोड़ी ही देर बाद हर्ष साक्षी की बच्चे वाली बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज था। दिन बीतते गए और साक्षी और हर्ष के बीच चीजें बेटर होने लगी थी। दिन में और रात में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उस रात साक्षी को किस करते हुए हर्ष ने अपनी शर्ट उतारी और साक्षी की नाइटी ऊपर कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। बिस्तर पर बैठे बैठे हर्ष साक्षी को किस करता रहा और कुछ ही देर बाद उसने पास वाले ड्रॉ से कुछ निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी साक्षी ने उसका हाथ खींच कर अपनी कमर पर रख दिया और उसे किस करते हुए कहा, आई डोंट थिंक वी नीड इट। हर्ष ने साक्षी को सरप्राइजिंगली देखा। लेट्स मेक अ बेबी। साक्षी की बात सुनकर हर्ष और भी टर्न ऑन हो गया और उस रात बिना प्रोटेक्शन के ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ महीनों के बाद साक्षी ने घर पर प्रेगनेंसी की न्यूज ब्रेक की। हर्ष और साक्षी दोनों ही बहुत खुश थे पर हर्ष के मन में अब भी कुछ टेंशन्स थी। हालांकि वो पिछली सारी बातें भूलकर अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहता था, इसलिए उसने किसी से इस बारे में कुछ बात नहीं की और अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज करते हुए वो साक्षी के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चला गया। पर हर्ष को जरा भी अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर की ये विजिट उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करते हुए साक्षी ने हर्ष को शांत देखते हुए पूछा, आप खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स। ये कैसा सवाल है? नहीं, आप कुछ ऑफ लग रहे हो। वो एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि बस थोड़ा सा टेंस्ड हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर के सामने बैठकर हर्ष और साक्षी की बाकी सारी परेशानियां आसान हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सोनोग्राफी कर लेती हूँ, तब तक आप बाहर वेट कीजिए। हॉस्पिटल में साक्षी जब डॉक्टर के साथ अंदर एग्जामिनेशन रूम में थी, हर्ष बाहर ही चक्कर काटता रहा। उसके मन में अपने बच्चे को लेकर एक्साइटमेंट भी थी और बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की घबराहट भी, पर वो टहलते हुए खुद को इस नए मोड़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इस बात से भी खबर कि अगले ही मिनट उसकी लाइफ एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। डॉक्टर से बातचीत करते हुए वो साक्षी को गाड़ी में बैठने का बोलकर खुद प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिकल शॉप की तरफ बढ़ता है। शॉप पे पहुंचकर, अरे भाई साहब ये दवाइयां दे देना। भैया ये भी। एक जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आती है। हर्ष पलट कर देखता है तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उसके पीछे हाथ में दवाई का पर्चा लिए पिंक ड्रेस पहने सिमी खड़ी थी। साक्षी के प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आए हर्ष को दवाइयां लेते समय वहां सिमी दिखती है। सिमी को चंडीगढ़ में अपने सामने देखकर हर्ष चौंक जाता है। उससे कुछ बोले इससे पहले ही सिमियों से पहचान लेती है। भैया ये दवाइयां। हर्ष हाय, तुम यहां? हाय, वो मैं अपनी वाइफ के साथ आया था। तुम्हारी वाइफ? हाँ, शी इज एक्सपेक्टिंग, जस्ट जनरल चेकअप। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। सिमी कुछ परेशान सी लग रही थी पर हर्ष की बात सुनकर उसके चेहरे की परेशानी थोड़ी और बढ़ गई थी। उसने तुरंत ही अपना ध्यान बटाते हुए दुकानदार से दवाइयां ली और
जल्दबाजी में हर्ष को बाय बोलते हुए वहां से चली गई। उसके वहां से निकलते ही हर्ष का ध्यान सिमी के नीचे गिरे व्हाइट पर्स पर गया। उसने तुरंत पर्स उठाकर सिमी को रोकने की कोशिश की, पर तब तक वो काफी आगे निकल चुकी थी। बिना अपनी दवाइयां लिए हर्ष सिमी के पीछे पीछे उसका पर्स लौटाने के लिए चला जाता है। उसके पीछे पीछे वो उस वार्ड में पहुंच गया जहां सिमी एक बूढ़ी औरत के पास खड़ी उन्हें दवाइयां खिला रही थी। कुछ 70 साल की उम्र की औरत जिसके बाल बिल्कुल सफेद और त्वचा सेब से भी लाल थी, पेशेंट गाउन पहनी सिमी से मुस्कुराकर पानी ले रही थी। उनकी तरफ बढ़ते हुए हर्ष ने सिमी को पुकारा, सिमी वो तुम अपना पर्स भूल गई थी। ओह थैंक यू सो मच, पता नहीं मेरा ध्यान आजकल कहाँ रहता है। नो प्रॉब्लम्स, ये तुम्हारी मॉम है? नहीं, वैसे तो ये मेरी कोई नहीं, पर देखा जाए तो जो है यही है। हर्ष सिमी की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया। मतलब जब मैं 10 साल की थी तब मेरे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, तब से नानी ने ही मेरा ध्यान रखा है। मेरे पेरेंट्स इनके यहाँ किराएदार थे, उनके जाने के बाद मेरे माँ बाप सब यहीं थी। ओह सॉरी, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था। अब तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए? हस्बैंड के बारे में सुनते ही सिमी थोड़ा घबरा सी गई और इग्नोर करते हुए उसने कहा, हाँ वो काम में फंसे हुए थे, एनीवे थैंक्स फॉर दिस पर्स। ये कहकर सिमी वापस अपनी नानी के पास चली गई। हर्ष सिमी की बातों को सोचते हुए जब गाड़ी में वापस आया तो 20 मिनट से वहां वेट कर रही साक्षी ने रेस्टलेस होकर कहा, कितना टाइम लग गया मिली? सिमी के बारे में सोचकर खोया हुआ हर्ष अचानक साक्षी के सवाल पर चौंक उठा था। अरे दवाइयां नहीं मिली? हर्ष को अचानक ध्यान आया कि वो खुद की दवाइयां लेना तो भूल ही गया था। नहीं, वो अवेलेबल नहीं थी। सुनो, मैं ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा। ठीक है। अच्छा, आज डेकोरेशन वाले भी आ रहे हैं, एक बार उनसे भी मिल लेना। 6 बजे तक तो आप आ ही जाओगे ना? हाँ। हर्ष ने साक्षी की बातों में हामी भर तो दी थी, पर उसका पूरा ध्यान हॉस्पिटल में हुई सिमी से मुलाकात पर था। 2 दिन बाद हर्ष और साक्षी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, जिसके लिए वो दोनों घर पे पार्टी प्लान कर रहे थे। साक्षी बहुत एक्साइटेड थी। शादी के बाद ये पहला बड़ा इवेंट था जो हर्ष और वो साथ में ऑर्गेनाइज कर रहे थे। पार्टी में हर्ष के सारे रिश्तेदार और दोस्त इन्वाइटेड थे, लेकिन एक तरफ जहाँ साक्षी प्रेपरेशंस को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ हर्ष कुछ गुमसुम सा था। शाम को पार्टी प्लानर्स से बात करते समय कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। केक के लिए टेबल हम यहाँ सजा सकते हैं क्यों हर्ष? हाँ हाँ ठीक रहेगा, साक्षी ने हर्ष के मूड को देखते हुए उसके पास आकर कहा। सब ठीक तो है ना? आप थके हुए से लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, साक्षी ने परेशान होकर बोला। ओ तो आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी, आप जाके सो जाइए। साक्षी की बात मानकर हर्ष कमरे में आकर लेट गया, पर सिमी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो ना चाहते हुए भी दिल्ली में सिमी के साथ बिताई उस रात को अनदेखा नहीं कर पा रहा था। वो पल जब वो और सिमी एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। हर्ष की आंखों के सामने वो सब रिपीट मोड पर चल रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पसीने से लथपथ हर्ष बिस्तर पर उठकर बैठ गया और पानी पीते हुए उसने खुद से कहा, Stop it! ये तो क्या कर रहा है हर्ष? सिमी का चैप्टर खत्म हो चुका है, उसे दोबारा शुरू करने की कोशिश मत कर। एक बार इस पागलपन में पड़कर तू बहुत पछता चुका है, अब और नहीं, सिमी को भूलना ही होगा। तेरी असलियत सिर्फ साक्षी, तेरी फा और अब तुम्हारा होने वाला बच्चा है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट सिमी। ये कहकर हर्ष रात भर सोने की कोशिश करता रहा। एनिवर्सरी के दिन साक्षी सुबह से ही तैयारियों में लग गई थी। हर्ष के बार बार रोकने पर भी वो कोई ना कोई काम लेकर खड़ी हो जाती। साक्षी तुम्हारे लिए इतना एग्जॉशन सही नहीं है, हम लोग कर लेंगे ना सब, तुम आराम करो। ठीक है बाबा, मैं तो बस हेल्प कर रही थी। अच्छा सुनो,
आधे टाइम आप केक पिक करते आना, वो 6 बजे फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो 7 बजे तक केक कटिंग कर लेंगे हम। ओके, मैं ले आऊंगा। अब तुम प्लीज बैठ जाओ और यहीं से सबको काम बता दे जाओ। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साक्षी ने मुस्कुराकर हर्ष को देखा और उसने धीरे से उसके कान में कहा, सुनी, हैप्पी एनिवर्सरी। हर्ष ने भी मुस्कुराकर उसे विश किया और उसके माथे पर चूमकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। साक्षी खुश थी कि 1 साल बाद ही सही, पर हर्ष ने उनकी शादी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। शाम को लौटते समय हर्ष जब केक लेते हुए वापस आ रहा था कि तभी गलत टर्न ले लिया, आगे से गाड़ी घुमानी पड़ेगी। ये सोचते हुए हर्ष आगे बढ़ ही रहा था कि उसके रास्ते में वही हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल क्रॉस करते हुए हर्ष के मन में न जाने क्या आया कि गाड़ी घुमाने की बजाय उसने पीछे देखते हुए गाड़ी वहीं पार्क कर दी। गाड़ी पार्क करके हर्ष हॉस्पिटल के अंदर उसी वार्ड में गया जहां सिमी की नानी एडमिटेड थी। हर्ष को देखकर नानी ने मुस्कुराया और हर्ष ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, नमस्ते, सिमी नहीं आया आज? नानी ने कंफ्यूज्ड होकर रिप्लाई किया, कौन? जैसे वो सिमी को जानती ही नहीं थी। वो लड़की जो आपको दवाई देती है, सिमी आपकी पोती? हर्ष ने दोबारा पूछा, पर नानी एकदम से गुस्सा हो गई और हर्ष पर भड़कने लगी। वो लड़की मुझे दवाई दे के मार देगी, ए, ऐसे क्या देखता है? मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, आजा, मार, आजा, मार। हर्ष उनकी बातें सुनकर 1 सेकंड के लिए घबरा गया था, पर इससे पहले नर्स वहां आ गई और हर्ष को बाहर जाने को कहा। बाहर आते हुए हर्ष कुछ समझ नहीं पाया और वो अपनी ही पोती के लिए ऐसा क्यों बोलेंगी। नर्स के बाहर आने पर हर्ष ने उससे पूछा, अब सिस्टर, वो आंटी की पोती उनसे मिलने आती है, वो आई नहीं आज? नर्स के जवाब ने हर्ष को और भी कंफ्यूज्ड कर दिया और वो सोच में पड़ गया। क्या वो औरत सच में सिमी की नानी थी या फिर सिमी उससे कोई झूठ बोल रही थी? सिमी की नानी से मिलकर जब उन्होंने सिमी को पहचानने से इनकार कर दिया था तो हर्ष समझ नहीं पाया, पर इन सब बातों में वो अपनी ही एनिवर्सरी की पार्टी के लिए काफी लेट हो चुका था। हर्ष ने टाइम देखा और भागते हुए नीचे आया। जब वेटिंग रूम में उसकी नजर व्हाइट टॉप ब्लू डेनिम्स में बैठी एक लड़की पर पड़ी, ये सिमी ही थी जो अपने चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी। सिमी ने जैसे ही अपना हाथ अपने चेहरे पर से हटाया, उसकी आंखें नम, होंठ सूखे हुए और चेहरे पर उदासी थी। सिमी के बाल बिखरे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। हर्ष ने सिमी को पहले कभी इस हाल में नहीं देखा था। उसके पास आते हुए हर्ष ने उससे पूछा, सिमी, सिमी क्या हुआ, सब ठीक तो है? सिमी ने हर्ष को देखकर तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सब ठीक है, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं, सब ठीक तो है? हर्ष ने थमकर सिमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सच कह दिया कि वो यहाँ उससे मिलने ही आया था, पर ऊपर नानी से पूछने पर उन्होंने गुस्से में उस पर चिल्ला दिया। हर्ष की बात सुनकर सिमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अपने चेहरे को पोंछते हुए उसने कहा, I'm really sorry for that. Actually, नानी को स्किज़ोफ्रेनिया है, एक मानसिक बीमारी जिसमें वो लोगों को इमेजिन करके उनसे बातें करती है और कहानियां बनाती रहती है। कभी कभी वो मुझ पर भी ऐसे ही भड़क जाती है। ये कहते कहते सिमी की आवाज भारी हो गई और वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई। तभी हर्ष ने उसका मूड ठीक करते हुए उसे कॉफी के लिए पूछा। हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठे कॉफी पीते पीते हर्ष ने सिमी से पूछा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? सिमी ने ना चाहते हुए भी अपना सिर हिला दिया। पूछो, इतनी चीनी वाली कॉफी पीने के बाद तुम इतनी फिट कैसे रहती हो?
सनी हर्ष का सवाल सुनकर जोर से हंस पड़ी। हर्ष उसे देखकर हंसता रहा कि तभी सिमी हंसते हंसते अचानक से रो पड़ी। हंसी की पट्टी के पीछे सिमी के छिपाए हुए खाव हर्ष के सामने खुल चुके थे। हर्ष के बिना पूछे ही सिमी ने कहा, हर्ष, मेरा नानी के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। मैं खुद को उनके बिना सोच भी नहीं सकती। हर्ष की समझ में नहीं आया कि सिमी अपने हस्बैंड के होते हुए खुद को बार बार अकेला क्यों कह रही थी, पर उस बात को अवॉइड करते हुए हर्ष ने पूछा, डॉक्टर्स का क्या कहना है? नानी की जितनी ज्यादा है कि डॉक्टर्स कुछ भी ठीक से नहीं बोल रहे हैं। कहने को वो कल भी ठीक हो सकती हैं और होने को। सिमी, तुम खुद को अकेला मत समझो। सिमी, तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इससे पहले कि हर्ष कुछ और कहे उसका फोन बज उठता है। साक्षी का कॉल देखकर हर्ष घड़ी की तरफ देखता है और पैर पटकता है। शिट, मैं भूल ही गया, ये कहते हुए वो फोन उठाता है। हेलो हर्ष, कहाँ रह गया? 8 बज गए हैं, सारे गेस्ट आ चुके हैं। साक्षी, सॉरी, वो एक दोस्त का अचानक एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसे देखने आया था। क्या, किसका? साक्षी हर्ष के लगभग सारे दोस्तों को जानती थी। बहुत सोचने के बाद उसने जवाब दिया, अब तुम शायद नहीं जानती होगी, वो दिल्ली में रहता है, कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़ आया था। ओ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं बस केक लेके निकल रहा हूँ। ओके, आराम से आना, लव यू। हर्ष ने सिमी को खड़े होते हुए देख जल्दी ही फोन रख दिया। सिमी अपने पैसे टेबल पर रख कर जाने लगी। हर्ष, तुम्हें जाना चाहिए, हर्ष ने कवर अप करते हुए कहा। वो एक्चुअली घर पर एक पार्टी है, वो सब रिश्तेदार आ चुके हैं। किसका बर्थडे है? हर्ष उसे जवाब दे पाता इससे पहले ही सिमी के फोन पर एक कॉल आ गया। फोन पे नर्स की बात सुनते ही सिमी परेशान हो गई और बात खत्म होने से पहले ही वार्ड की तरफ भागते हुए गई। हर्ष भी उसके पीछे पीछे वार्ड में गया पर नर्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद सिमी जब बाहर आई तो उसका चेहरा काफी उदास सुथरा हुआ था। सिमी को देखते ही हर्ष ने बेंच पर से उठते हुए पूछा, सब ठीक है? पर सिमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हर्ष ने दोबारा पूछा। सिमी ने भारी मन से कहा, मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के टाइम मुझे 2 दिन तक किसी ने कुछ नहीं बताया था। बॉडी इतनी खराब हो गई थी कि मैं देखकर डर जाऊंगी, ये सोचकर अंतिम संस्कार पर भी नहीं ले गए। फिर 2 दिन बाद जब मैं उन्हें याद करके जोर जोर से रोने लगी तब नानी ने बोला कि तुम्हारे मामा पापा एक दुनिया को बचाने गए हैं, बहुत सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाने गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, उनके बिना भी अच्छी बेटी बनकर रहेगी। यही सोचकर चलती रही। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। नानी हर बार एक नई कहानी सुना देती। कुछ सालों बाद मुझे उनकी याद ही आना बंद हो गई। फिर एक दिन मेरे 15th बर्थडे पर स्कूल का फॉर्म भरते समय मैंने नानी से पूछा, क्या मम्मा पापा कभी वापस आएंगे? उन्होंने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भी अपनी तरह डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर सुपर हीरोज होते और सुपर हीरोज तब तक पीछे नहीं देखते जब तक वो अपना काम ना कर ले। ये कहते हुए सिमी ने अपने आंसू पोंछे और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं डॉक्टर तो नहीं बनी पर नानी का एक काम पूरा करना भी बाकी है। वो क्या? नानी कुछ महीनों से हरिद्वार जाना चाहती थी गंगा जल लेने के लिए। मरने से पहले पीना अच्छा होता है ना? बोलते बोलते सिमी का गला भर आया। हर्ष ने सिमी के कंधे पर अपना हाथ रख लिया और सिमी अपना सिर उसके कंधे पर रख कर रोने लगी। उसे चुप करवाते हुए हर्ष को एक बार फिर साक्षी का फोन आया पर इस बार उसने फोन रिसीव नहीं किया। खुद को समेटते हुए सिमी ने कहा,
मुझे हरिद्वार जाना होगा। हर्ष ने उसके आंसू पोंछे और उसके आगे आ रहे बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा, आयुष तुम इस हाल में चली जाओगी? हाँ, जाना तो पड़ेगा। सिमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हर्ष आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स में अटका दी, तुम्हें अपनी फैमिली के पास होना चाहिए। अगर तुम्हें कभी भी मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताना। तुम अकेली नहीं हो सिमी। सिमी ने हामी भरते हुए स्माइल किया और हर्ष को जाने के लिए कहा। हर्ष भागते हुए पार्टी में रात को पहुंचा। रात के 9 बज चुके थे और सारे गेस्ट्स उसका इंतजार कर रहे थे। हर्ष, कहाँ रह गए थे आप? I'm so sorry, वो हॉस्पिटल में कुछ कामों में फंस गया था। सब गेस्ट्स खाना खा के जाने वाले हैं। I'm so sorry. Let's go cut the cake. पार्टी में साक्षी और हर्ष ने जमकर सेलिब्रेट किया। रात को साक्षी के साथ सोते समय उसने साक्षी का पैर अपने हाथों में ले लिया और उससे दोबारा माफी मांगी। इस बार सिमी से मिलकर हर्ष को गिल्टी फील हो रहा था और वो उसे खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। I'm really sorry. वो डॉक्टर से बात करने में वक्त का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, कौन दोस्त है ये जिसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया? अरे इतना भी अच्छा दोस्त नहीं है, मेरे ये काम करता था बस। बट इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये कहते हुए हर्ष रोमांटिक मूड में आ गया और उसने साक्षी को अपने पास खींच लिया। साक्षी को किस करते हुए उसने अपनी शर्ट उतारी और साक्षी को अनड्रेस करने लगा। उसने साक्षी को किस करना शुरू किया और साक्षी और हर्ष पैशनेटली एक दूसरे में खोए हुए थे कि हर्ष के सामने सिमी का चेहरा घूमने लगा। उसे बार बार सिमी का मासूम चेहरा दिख रहा था जिससे हर्ष की जरूरत थी। पैशनेट मोमेंट्स के बीच हर्ष ने खुद को साक्षी से अलग कर दिया। इट्स ओके, शायद आज ज्यादा एक्सर्शन हो गया होगा, यू मस्ट बी टायर्ड। हर्ष ने खुद को साक्षी से अलग किया और साक्षी हर्ष के सीने पर सिर रख कर सो गई। कुछ देर बाद हर्ष का फोन वाइब्रेट हुआ। हर्ष की नींद एकदम से खुल गई और साक्षी को सोता हुआ देख वो बालकनी में चला गया। एक अननोन नंबर से कॉल आया था। हेलो, दूसरी साइड से सिमी की आवाज आई। हेलो हर्ष। सिमी क्या तुम ठीक हो? हर्ष, क्या तुम मेरे साथ हरिद्वार चलोगे? सिमी की नानी के गंगा जल की इच्छा को पूरा करने के लिए सिमी ने हर्ष को उसके साथ हरिद्वार आने के लिए पूछा। रात भर सोचने के बाद हर्ष दिन में साक्षी को बिना बताए सिमी के साथ हरिद्वार के लिए निकल गया। रास्ता छोटा था इसलिए हर्ष ने सिमी को ये नहीं बताया कि वो शहर से बाहर जा रहा है। मौसम खुला था और चंडीगढ़ से निकलते ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। रोड के दोनों तरफ खूबसूरत खेत खलिहान थे। खेतों की भीनी भीनी खुशबू के बीच में सिमी की बनी खामोशी को तोड़ने के लिए हर्ष ने सिमी से पूछा, तुम पहले हरिद्वार गई हो? हाँ, एक बार बचपन में नानी के साथ थी। तुम? हाँ, एक दो बार। अरे कल तुम्हारी पार्टी कैसी हुई? वैसे क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? हर्ष थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए बोला, एनिवर्सरी, इट्स बीन अ ईयर सो। ओह शिट, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वरना मैं तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये ज्यादा जरूरी था। वैसे भी हर रिश्ता जो दिखता है जरूरी नहीं वो हो। हर्ष सिमी और अपने बारे में बात कर रहा था पर सिमी को लगा वो अपनी शादी के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। क्या मतलब? मतलब तुम और मैं दोस्त भी तो है ना, तो एक दोस्त के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। सिमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और रिलैक्स्ड होकर उसने एक पैर ऊपर रखते हुए कहा, ऑफ कोर्स। कुछ देर की चुप्पी के बाद हर्ष ने कहा, तो अगर हम दोस्त हैं मिस सिमी,
तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि अब तक तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट की है? वो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, पर कर लूंगी। वैसे तुम्हारी शादी कब हुई? हर्ष ने मुस्कुराकर सिमी को देखा और ये समझकर कि अब और छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा, 1 साल पहले। रियली? तो तुम दिल्ली में? एनीवे, सिमी ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकाली और हर्ष को ऑफर की। हर्ष के मना करने पर सिमी ने चॉकलेट खाते खाते कहा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? क्या? कि मैं बिना चीनी नहीं खाए भी मोटा कैसे हो गया हूँ? सिमी ने हंसकर कहा। No, stupid. क्या तुम दिल्ली सचमुच बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे या फिर? तुम्हें क्या लगता है? कि तुम मुझसे मिलने आए थे? तो बस वही सच है। बट सच वाला सच क्या है? सच वाला सच ना तुमने देखा है ना मैंने, तो वही सच है जो हमें लगता है कि सच है। मेरा तो यही फंडा है। सिमी हर्ष की बचकानी बातों को सुनकर हंस दी और यूं ही हंसी मजाक में सफर कब कट गया इसका एहसास दोनों को ही नहीं हुआ। हरिद्वार पहुंचकर दोनों ने मंदिर के दर्शन किए और गंगा जल लेने के लिए सिमी अपनी जीन्स फोल्ड कर नदी में उतरी कि अचानक उसका पैर स्लिप हो गया। पानी गहरा नहीं था पर फ्लो तेज होने की वजह से सिमी पानी के ऊपर सिर रख नहीं पा रही थी। नीचे के पत्थरों में सिमी के पैर फिसलने लगे और सिमी का कंट्रोल छूट गया। सिमी देख के मैं आ रहा हूँ, हर्ष बचाओ। सिमी थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि नीचे लगी चेनों ने उससे आगे बहने से रोक दिया। इतने में हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच दिया। सिमी और हर्ष भीगी हुई हालत में पानी के बीच कुछ सेकंड एक दूसरे को पकड़े खड़े थे। हर्ष को सिमी की भीगी पलकों के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था, पर इससे पहले कि वो और करीब आते मंदिर की सीढ़ियों पे से किसी ने आवाज देकर एक रस्सी फेंक दी। रस्सी को पकड़कर हर्ष और सिमी धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ आ गए। सिमी ने जो व्हाइट टॉप पहना हुआ था वो पूरी तरह से भीग चुका था और ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसने खुद को अपने लाल श्रग से कवर कर लिया था। भीगी हालत में सिमी और हर्ष गंगा जल एक बॉटल में लेकर हरिद्वार से चंडीगढ़ के लिए निकल गए। बीच एक ढाबे में दोनों आग जलाकर खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि शाम हो चुकी थी और हर्ष को हर दिन की तरह 8-9 बजे घर पहुंचने का प्लान था। कड़कती हुई आग की गर्मी में सिमी ने अपना लाल श्रग उतार दिया था। खाना खाते हुए सिमी ने हर्ष से सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, कमाल की बात है, तुम मुझे जानते तक नहीं हो और आज अपने घर से दूर मेरे साथ गंगा जल लेने के लिए यहाँ तक आ गए। और दूसरी तरफ मेरा पति है जिसने मुझसे शादी तो की है पर मुझे अपनी पत्नी कभी नहीं बना पाया। क्या ये अरेंज्ड मैरिज थी? प्रीटी मच। हाँ क्यों कहा? पैसे मिल रहे थे, हर्ष ने हंसते हुए कहा। क्या? आई एम हिज पेड वाइफ। सिमी की बातें सुनकर हर्ष की हंसी शांत पड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिमी की बात पर कैसे रिस्पॉन्ड करे। हर्ष के चुप हो जाने पर सिमी ने सामने से बताया, नानी की तबीयत खराब होने के बाद मैंने कॉलेज में ही काम करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे पर एज और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ असाइनमेंट्स कम होने लगे और ज़रूरतें बढ़ने लगी। नानी के हॉस्पिटल्स और दवाइयों के खर्चों के लिए मुझे छोटा बड़ा हर काम करना पड़ता था। तभी एक दिन इन महाशय ने मुझे एक शूट पर देखा, अलर्ट किया, पीछा किया और मेरे मैनेजर से मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। क्या बात है, लव एट फर्स्ट साइट है? हाँ कुछ ऐसा ही, पर प्रपोजल एक फूल या रिंग देकर नहीं हुआ था बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ जिसमें लिखा था कि मुझे उनसे शादी करने के बदले वो 25 लाख देंगे। इम्प्रेसिव। मैंने मना कर दिया,
पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगे। 25 लाख के साथ हर महीने 1 लाख की सैलरी। फिर क्या? मैं मना नहीं कर पाई। बदले में मुझे उनके साथ इवेंट्स, पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिक अपीयरेंसेस में जाना पड़ता है। तो समाज की नजर में वो मेरे पति तो हैं, पर हमें जोड़े रखने के लिए अब तक कोई रिश्ता नहीं बना है। ये कहकर सिमी अपनी प्लेट उठाकर हाथ धोने चली गई, पर हर्ष को वहां बैठे होटल के हर एक बात धीरे धीरे समझ आ रही थी। सिमी का बार बार उससे मिलने के लिए मना करना, कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर अंदर जाने की जिद करना, अपने पति से डर और हिचकिचाहट, और उसके पति का बार में किसी और लड़की के साथ ड्रिंक करना। खाना खत्म करके दोनों ही कार में बैठ गए और चंडीगढ़ जाने के लिए रवाना हो गए। दिन ढल चुका था और सिमी और हर्ष के बीच एक लंबी खामोशी बन गई थी। पर हर्ष और सिमी चुप रहकर भी बार बार एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, जैसे दोनों बिना कुछ कहे ही एक दूसरे से बात कर रहे हों। दोनों के मन में एक हिचक और बेचैनी सी थी। कुछ मिनट यूं ही ताकते हुए हर्ष ने सिमी का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसे अपने होने का एहसास दिलाया। एक दबी हुई सी मुस्कान के साथ सिमी ने हर्ष के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को अपनी गोद में रख लिया। हर्ष और सिमी के बीच बढ़ती टेंशन में हर्ष ने गाड़ी को किनारे लगाया। कुछ सेकंड्स एक दूसरे के होठों को बेसब्री से देखते हुए दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया, और किस करते हुए हर्ष सिमी के और भी करीब आ गया। उसने सिमी की सीट को नीचे किया। रात के उस अंधेरे में सड़क के किनारे सिमी और हर्ष एक दूसरे में खो गए थे। कुछ देर बाद ही अपने कपड़े पहनते हुए हर्ष ने गाड़ी स्टार्ट की। सिमी अपने कपड़ों को एडजस्ट कर रही थी कि तभी उसे एक अननोन नंबर से फोन आया। फोन उठाने पर सिमी ने जो सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। हर्ष के साथ हरिद्वार से वापस आते वक्त सिमी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे रिसीव करने पर सिमी घबरा जाती है। चंडीगढ़ लौटते ही सिमी और हर्ष भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके पहुंचने से पहले ही सिमी की नानी चल बसती है। सिमी इस खबर को सुनकर सुन्न पड़ जाती है और वहीं एक बेंच पर बैठकर रोने लगती है। हर्ष सिमी को संभालते हुए डॉक्टर से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाता है। नानी के अंतिम संस्कार के बाद सिमी ने कुछ दिन अपनी नानी के घर अंबाला में ही रुकने का फैसला किया। जहां एक तरफ सिमी अपनी नानी का घर खाली कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हर्ष और साक्षी आने वाले नन्हे मेहमान के लिए घर बना रही थी। उस दिन सिमी से मिलने के बाद हर्ष साक्षी के साथ मॉल में बेबी शॉपिंग कर रहा था, जब साक्षी ने हर्ष को बेबी शूज दिखाते हुए एक्साइटमेंट के साथ कहा, हर्ष ये देखो, ये कितना प्यारा है ना? हाँ ले लेते हैं। बच्चे की छोटी छोटी बातों की खुशी ने हर्ष को अपनी लाइफ की कंफ्यूजन्स भुलवा दी थी कि तभी शेल्फ पे पड़े खिलौनों को देखते हुए हर्ष आगे खड़ी एक औरत से टकरा गया। सॉरी बोलते हुए जब उसने ऊपर देखा तो कुछ देर तो वो खामोश खड़ा हुआ देखता ही रह गया। सामने सिमरन खड़ी थी। सिमरन को देख एक पल के लिए हर्ष थम सा गया, और उसके हाथ में उसका प्यारा सा बेबी देख दूसरे ही पल मुस्कुराते हुए बोला, ओह हाय सिमरन, शी सो क्यूट। हर्ष का रिस्पांस देख सिमरन ने हंसकर कहा, हाँ क्यूट है और शैतान भी, लेकिन तुम यहाँ कैसे? कहते हुए सिमरन की नजर पीछे खड़ी साक्षी पर पड़ी और उसे देखकर सिमरन ने सरप्राइज्ड होते हुए कहा, ओह आई सी, कांग्रेचुलेशंस, अब तुम दोनों भी इसी रेस में हो। हाँ ये सुनकर पीछे खड़ी साक्षी की नजर सिमरन पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए सिमरन से मिलकर कहने लगी, हाँ सिमरन तुमसे ही ट्रेनिंग लेने आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वैसे तुम्हारे हस्बैंड से अब तक मुलाकात नहीं हुई है? हाँ वो इस बार मुझे मायके छोड़कर जल्दी चले गए, अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं ना, किसी दिन मिलते हैं, वैसे भी कॉलेज के दोस्तों से मिले हुए काफी वक्त हो गया।
हर्ष को सिमरन से बात करता देख इस बार साक्षी काफी रिलैक्स थी। ना ही हर्ष घबराया हुआ था, ना गुस्से में, और ना ही उसके मन में किसी तरह की कोई हिचक थी। साक्षी ये समझ गई थी कि हर्ष के मन में सिमरन को लेकर अब वैसी फीलिंग्स नहीं है और वो सचमुच अब उसका है। पर हर्ष का मन अब सिमरन से हटकर सिमी में खो चुका था। हर्ष रोजाना सिमी से मिलने लगा था और उनकी नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कभी लंच तो कभी डिनर पर हर्ष किसी ना किसी बहाने से सिमी के घर जाने लगा था। आप हर्ष, आई लव योर लिप्स। हर्ष ने सिमी के घर में घुसते ही उसे किस करते हुए कहा। हर्ष ने सिमी के लिप्स को अपनी टांग से लिख लिया और उसे पैशनेटली किस करते हुए उसने पैशनेटली सिमी की शर्ट को अनबटन करना शुरू कर दिया। वो सिमी को पूरी तरह से स्पर्श करने लगा। हर्ष का हाथ अपने सीने पर छूते ही सिमी कसमस आ गई और हर्ष ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बेसब्र नजरों से उसे देखा। सिमी की आंखों में एक चमक थी जिसे देखकर हर्ष और बेसब्री से उसे किस करने लगा। हर्ष सिमी के लिए पागल हो चुका था। वो अब एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकता था। कुछ देर तक सिमी के साथ वक्त बिताने के बाद सिमी ने अपना सिर हर्ष के सीने पर रखकर उससे कहा, मैं कल वापस जा रही हूं। वापस क्यों? क्या मतलब क्यों? वही रियलिटी है हर्ष। रियलिटी वो है जो तुम समझना चाहती हो सिमी। सिमी ने हर्ष की बात सुनकर मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारी रियलिटी क्या है? हर्ष सिमी की बात सुनकर शांत हो गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने सिमी से कहा, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे? किसे? अपने हस्बैंड को। और छोड़कर करूं क्या? यहां तुम्हारे साथ छिप छिप कर मिलूं? उसके साथ सारे आम मिलकर सुकून मिलता है। हर्ष की बात सिमी को चुभ गई। उसके पास हर्ष की बात का जवाब तो था पर शायद उस जवाब को देने की कोई वजह नहीं थी। टेबल से उठकर सिमी ने अपना सिर हर्ष के सीने से हटाया और दूसरे तकिए पर खिसकते हुए हर्ष से पूछा, तुम क्यों नहीं छोड़ते थे अपनी वाइफ को? हर्ष ने सीलिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद सुकून पाना इतना आसान नहीं है। हर्ष और सिमी के बीच कुछ देर एक अजीब सी खामोशी थी। हर्ष ने बाजू में पड़ी घड़ी की तरफ देखा और सिमी की तरफ पलटते हुए कहा, आई विश कि तुम यहां रुक जाओ। कम से कम ये जो कुछ पल तुम्हारे साथ मिलते हैं, मैं उनमें ही अपना सुकून ढूंढ लूंगा। सिमी ने निराशा भरी नजरों से हर्ष को किस किया और बाय कहा। हर्ष ने सिमी के निराशा भरे मासूम चेहरे की तरफ देखा और कहा, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने आऊंगा। हर्ष के ये कहने पर सिमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हर्ष को गले लगा लिया। हर्ष ने सिमी को कई बार किस किया और एक बार फिर मदहोश होते हुए कहा, ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो। अभी थोड़ा टाइम और है। आई एम ऑल योर्स। ओह सिमी, आई लव यू। एक बार फिर हर्ष ने सिमी के ऊपर आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ ली और दोनों सब कुछ भुलाकर एक दूसरे में खो गए। हर्ष जब घर वापस लौटा तो साक्षी उसका डाइनिंग टेबल पर बैठी इंतजार कर रही थी। हर्ष ने साक्षी के मायूस चेहरे को देखकर उसे चीयर अप करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, आज बहुत देर तक काम चल रहा था। साक्षी ने हर्ष की तरफ निराशा से देखा और उसे खाना परोसते हुए कहा, ऑफिस फोन किया था मैंने, श्यामलाल ने कहा आप दोपहर के बाद से वापस ही नहीं आए। साक्षी की बात सुन हर्ष एक सेकंड के लिए घबरा गया, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, हाँ वो क्लाइंट से मिलने गया था, फिर साइट विजिट करनी थी और क्लाइंट से मिलने में। कौन सा क्लाइंट है ये? कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रखता आपको आजकल? ये कहते हुए साक्षी हर्ष के पास ही बैठ गई और उसकी आंखों में बढ़ती हुई घबराहट को देखकर बोली, खैर मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, कल हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। शॉपिंग किस चीज की? गोद भराई की। ओह, मुझे लगा गोद भराई में अभी वक्त है। हाँ पर तैयारी तो चालू करनी पड़ेगी ना, आप क्लाइंट से कह देना कि कल आपको जल्दी फ्री कर दे। साक्षी ने गंभीरता से कहकर हर्ष को आंखों ही आंखों में वार्न कर दिया था।
इससे पहले हर्ष ने साक्षी को इतना सीरियस और स्टिफ नहीं देखा था। कुछ अलग था आज उसकी चाल ढाल में। मन में छिपे चोर के साथ हर्ष को डर था कि कहीं साक्षी को सिमी के बारे में शक ना हो गया हो। अगले दिन सिमी को एयरपोर्ट ड्रॉप करते समय दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, पर इससे पहले वो उससे कुछ कहता हर्ष को साक्षी का कॉल आ गया। पीछे होते हुए उसने कॉल रिसीव किया। हेलो हर्ष, यहाँ मार्केट का काम मैंने कर लिया है, यहाँ से सेक्टर 20 जाना है, आपको टाइम लगेगा क्या? हर्ष को समझ में आए इससे पहले सिमी गाड़ी से उतरने लगी। सिमी का पीछा करते हुए हर्ष ने जल्दी जल्दी में साक्षी से कहा, नहीं बस थोड़ी देर और, मैं 10 मिनट में मार्केट में पहुंचता हूँ, तुम रुको वहीं। कहते कहते हर्ष सिमी के पीछे पीछे भाग गया। उसने एक बच्चे की तरह उसका बैग पकड़ लिया और अपसेट होकर उसे रोकते हुए कहा, हे, दिस इज नॉट ओवर, आई विल सी यू सून। हर्ष की बात सुनकर सिमी को एक पल को तो यकीन नहीं हुआ, पर कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर हर्ष को गले लगा लिया और दूर से किस करते हुए वो अंदर चली गई। पलटकर जब हर्ष गाड़ी की तरफ बढ़ा तो रोड की दूसरी तरफ साक्षी खड़ी थी।